हाँ वालेकुम अस्सलाम जी रमी बच्ची। आए कहाँ को जा रहेंगे? दिल्ली को। अच्छा है तो तेरे तो कान ठंडे रहेंगे, तेरी तो अच्छा ही है बच्ची। हाँ अच्छा, तुम्हारे दूल्हा लेके जा रहे हैं क्या? तुम्हारे देवर क्यों नहीं लेके जा रही है? अच्छा चलो चलो, माँ का करना अच्छी बात है, अल्लाह मियाँ वही देगा, जजा ही देगा। हाँ हाँ तो अकेली होगी तो क्या है, दुल्हन आ जाएंगी। हाँ दुल्हन आ जाएंगी और ये सुल्तान भी चला जाएगा अकेले सोने को, तो परेशान मत हो। और क्या, मैं कह दूंगी बच्ची अकेली होगी। हाँ ये आ जाएंगी दुल्हन। हाँ ना बच्ची, मुझे क्या है कि परेशानी, मेरा मेरा क्या करती है बच्ची, वो मेरी तो फल ही नहीं फोड़ती हैं वो। हाँ अल्लाह का शुक्र है मेरे अपने हाथ पैरों में जाना, रोटी हंडिया ही तो करती हैं, मैं खुद करके खा लूँगी, अपने दूल्हा को भी खिला दूँगी, अपनी लोंडिया को भी खिला दूँगी, इनकी मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं आ रही है। हाँ अभी मैं आ गई नहीं है ज़रा, हाँ बाजारे को। हाँ आऊँगी तो मैं बात करती हूँ, मैं कह दूँगी कि अपने दो जोड़ी कपड़े रख लो, बच्चे की मेरी सास गई हैं अकेली है वो, तुम्हें तुम आमिया जाके रुकी उसके घर। और क्या तू फिक्र क्यों कर रही है, ये आ जाएंगी दुल्हन। हाँ भाई को भी भेज दूँगी मैं, भाई भी रुक जाएगा। हाँ मैं, तू परेशान मत हो, तेनिया तो अच्छा है, अपने सुकून से रही हो, सास गई हैं 2-4 दिन को, मेरे बच्चे के भी कान ठंडे होंगे। ठीक चल सही। A few moments later. वालेकुम अस्सलाम, मैं कह रही हूँ अली जो सामान लाना था। हाँ सब ले आई। अच्छा मैं कह रही हूँ, अभी उसका फ़ोन आया था आपा का, उसके साथ जा रही हैं दिल्ली को दिखाने डॉक्टर को, उसके दूल्हा के साथ जा रही हैं, नहीं तो वैसे तो देवर के साथ जाती थी, पर अब इसके साथ इसके दूल्हा के साथ जा रही हैं, तो ऐसा आएगा तुम और तुम्हारे मियाँ दोनों जाके ज़रा बच्ची घर रुक जाएगी, अकेली होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हाँ मुझे जाना है आपा के घर। ओई भिन्न, ये तुम्हारे इतने दीदे सुन के क्यों फट गए, ऐसी क्या बात हो गई, तुम्हारे कौन से नन्ने नन्ने बच्चे हैं जो स्कूल को जाएंगे, तुम्हें इतने कहा कि बच्चे हॉले मच गए। देखो सफ़ा बात है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम क्या तुम्हारे तो फरिश्ते भी जाएंगे, मुझसे टेढ़ी बात मत करना तुम। सफ़ा बात है, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी अम्मी खुद ही मुझे फ़ोन कर रही हैं कि आ जाओ भाई के लिए लड़की देखने जानी है, मेरे बिना कोई काम नहीं होता उनसे, वो बेचारी इतनी ज़हीफ़ हो गई हैं, वो नहीं कर पाती हैं कुछ। तुम्हारी अम्मी ज़हीफ़ हो गई हैं, अच्छी है बच्चे, और इस ज़हीफ़ हालत में तुम्हारी अम्मी डंग डंग करती फिरती हैं, दोपहरिया में नाक पे दिया रख के जो औरत फिरती है, और अब ये लौंडिया देखना तो बहाना है, 10 घर जाओगी, 10 घर की लौंडियों में तुम पर माँ बेटियाँ मिलके ऐप छाटोगी, टीका टीक दोपहर में किसी के भी घर में घुस जाओगी कि लौंडियाँ बताएंगे, तुम जो हो अब तो तुम पूरा शहर की खाक छानोगी, तब जाके लेके आओगी तुम एक कोई एंडी बैंडी लौंडिया, इतनी ढूंढने के बाद जाके बस सिर्फ नाश्ते पानी करोगी लोगों के घर, लौंडियाँ नहीं देखोगी तुम, अब तुम्हें तो एक खेल मिल गया होगा माँ बेटियों को दोनों को, वो करना तुम। खैर पहले भैं माँ जाओगी आपा इधर, उसके बाद आके लौंडियाँ ढूंढना, क्योंकि अभी थोड़ी ढूंढ लोगी तुम, 1-2 महीने चाहिए तुम्हें। अब मेरी अम्मी अकेले हैं, उनका दिल घबराता है, तो वो क्या करे, जाएंगी और हमारा कोई खेल नहीं है, हमारे जरूरत है हमारी अम्मी को दूसरी बहू की, एक बहू से इतने घर का काम नहीं हो पा रही है, और अम्मी हमारी कुछ नहीं कर पाती है, वो कहाँ जाती है मोहल्लों में। जी ऐसा है, मेरा मुंह मत खुलवा, पूरा मोहल्ला आज है तुम्हारी माँ के 3 बजे घुस जाने के, ये तुम्हारी माँ की आदत है कि लोग घर में 3 बजे घुसी और खटखटा के सिर्फ ये पूछती हैं सोते हुए आदमी से, अ भिन्नो सो रही हो क्या, सोते हुए आदमी को उठा के पूछती हैं क्या सो रही हो। मेरे अपनी अभी तुम्हारी माँ ने बहुत हरकतें करी थी, पर जब से अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी शादी के बाद उन्होंने ज़रा सी ये बुर्दुवारी बेटी का घर समझ के बरत दिए, तो तुम्हारी माँ ने मुझे भी इस चक्कर में बड़ा आजिज किया था। खैर क्या कह सकते हैं, आपको तो कौन सी बात से प्रॉब्लम हो जाए आदमी को पता नहीं चल सकता है, तो मेरी अम्मी अब क्या आदमी से ये भी ना पूछे कि सो रही हो कि जग रही हो, तभी तो अम्मी आगे बात करेंगी, और अगर आदमी कह रही है हम सो रहे हैं तो मेरी अम्मी चली जाएंगी, मेरी अम्मी को इतनी फ्री बैठी है कि सबके वो उनका मुंह भी धुलाएंगी उठने के बाद फिर बातें करने बैठेंगी, ऐसे मेरी अम्मी पूछ लेती है लिहाज में पहले। दुल्हन ऐसा है, ये लिहाज का पूछना नहीं है, ये भिडंगापन है कि आदमी तुम्हें अपनी आंखों से दीदों से सोता हुआ दिख रहा है, तुम उसे 3-4 आवाज़ें देके बार बार दफा, तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी गहरी नींद से उठा दिया था, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं इतनी गहरी नींद से उठा मेरा दिल हौल जाता, तुम्हारी माँ मुझे इतनी बड़ी आवाज़ आके मारती थी मेरा दरवाज़ा खोल के, अः भाभी साहब सो रही हो क्या, तुम्हारी माँ की बहुत बुरी आदत है, तो बस नसीब जुड़ा कर क्या कह सकते हैं। ऐसे अम्मी माँ तो माँ होती है और माँ किसी की बुरी नहीं होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी अम्मी की बुराई करती है, उन्होंने मुझे इसलिए पाल पोस के बड़ा नहीं किया था कि मैं अपनी ससुराल में जाके अपनी माँ की बुराइयां सुनूं, मेरी अम्मी को कुछ मत किया करिए आप। ऐसा है, अब ये फालतू के ना मुझसे बहस मत करो, अपनी जबान को ज़रा लगाम दो, और सुनो अब बस बात को इसको ख़त्म करके ये बताओ मुझे, तुम जा रही हो उसके घर, नहीं जा रही हो आप? मैं नहीं जा सकती हूँ,
और वैसे भी अम्मी को मैंने भी प्रॉमिस कर लिया है कि मैं जाऊंगी उनके साथ। मेरी अम्मी कह रही थी कि जो जिनके आप हम लड़की देखने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा नाश्ता करवाती हैं लड़के वालों को, उनके जो भी रिश्ते के लिए आते हैं बहुत अच्छा नाश्ता कराती है। तो मेरी अम्मी ने कहा था खाना भी मत खाना दोपहरिया का, चलो मुझे वही नाश्ता वाश्ता करना चाहिए। देखो आ गई ना दुल्हन वही वाली बात, अरे खुदा को देखा नहीं कुदरत से पहचाना, मुझे सब पता है तुम्हारी माँ और तुम्हारा यही धर्रा रहेगा लोग घर जा जाके लड़कियाँ थोड़ी देखोगी, पहले नाश्ता करोगी और उनकी लड़कियों में अभी छट के आओगी। खैर तो तुम्हारा पिरामिस मेरी बात खदे की लात, मैंने भी तो अपनी लड़िया से कह दिया था कि भाई और भाभी आ जाएंगे, ऐसा है तुम नहीं जा रही मत जाओ, मैं जाऊंगी अपनी लड़िया का घर का बहुत अच्छा ध्यान रखना। चलिए ठीक है अम्मी आप चली जाना, मैं घर का अच्छे से ध्यान रख लूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कोई शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगी। 5 minutes later अगली यहाँ को। हाँ अम्मी क्या हुआ? एक बात सुन, मैं कह रही हूँ मैं ना जरा आपा के जा रही हूँ, सही है? आपा के जा रही है, मैं भी चलूंगी। अरे तू मत चल। मैं क्यों घर पे रुकूं? मुझसे नहीं रुका जाता घर पर पे, मैं जाऊंगी आपा के यहाँ। अरे घर में भी तो कोई हो, आफत मचा देगी ये मेरे बिना, इसको अगर कोई कंट्रोल नहीं रखेगा तो वो तो मैं इसकी लगाम कसे रहती हूँ। ये तो पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये करेगी, अपना पूरा मैका बुला के बिठा लेगी, खाने पका के खिलाएगी अपने उनको, और अब्बा को तुम्हारे कुछ नहीं देगी ये, हर्राफा रोज अंडे का ऑमलेट और रोटी देगी, खुद चट्ठे मिट्ठे ये वो करेगी वो करेगी चट्ठे मिट्ठे, हर वक्त वो ये क्या मंगाती है वो आफत वो चौमिन लंबे लंबे से कुछ, वो मैं तो अल्लाह माफ़ करो उसको देख के घिनाती है ना, कैसे ये भर लेती है वो मंगा मंगा के खाएगी, और अब्बा वो तुम्हारा अंडे का ऑमलेट खिलाएगी, तू यहाँ रहेगी तो ज़रा किसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। वैसे मुझे तो लगता नहीं कि ये रोटी पकाएगी ये, वही है तो बस अपने मुझे बाजार के चट्ठे मिट्ठे खाती है, ये वही मंगा मंगा के खाएगी, वही तुम्हारे भैया भी खा लेंगे, और तुम्हें पता ये पापा तुम्हारे बेचारे कुछ कहते हैं नहीं, जो ये दे देगी चुप मुँह पर खा लेंगे, अरे वो भी ये मुझे तो डर लग रहा है ये वो आफत है उनको भी ना खिला दे, वो कुछ कहेंगे थोड़ी, वो कहेंगे हाँ बच्ची तू मत पका, वो मुझे भी खिला दे, मैं आऊँगी तो उनका पेट वेट खराब कर देगी, तू होगी तो ये कंट्रोल में रहेगी, मुझे रिपोर्टें देती रहेगी सारी। ठीक है अम्मी मैं घर पे रुक जाऊँगी, वहीं पे सारी नज़र रखूँगी और फ़ोन पे आपको सब बताती रहूँगी। हाँ यही तो करती हैं ये, खाना नहीं बनाती हैं, ये सब बाहर से मंगाती हैं और ये सब वो खाना देती हैं जो इनका बच जाता है, और जो सारी चीज़ें जो ये मंगाती हैं थोड़ी मुझे देती हैं, जो इनसे नहीं खाया जाता है जो बच जाता है बस वो मुझे दे देती हैं उठा के, और डैडी को भी खाने वाने का भी परेशानी होगी, डैडी इनको लेकिन कुछ बोलेंगे ही नहीं। चलो मैं अम्मी फिर रुक जाऊंगी, क्या करूं और रुकना ही पड़ेगा मुझे। Meanwhile अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, जान बची से लाख उपाय, मैं कैसे चली जाऊंगी भाई अपना घर छोड़ के, अपना घर अपना ही होता है चाहे कैसा हो, उनके घर जाओ तो भाभी मेरी अलमारी सही कर दो, तो भाभी हमारा किचन साफ कर दो, तो डिब्बे धो दो, यही चलता रहता है उनका, मेरे तो शक्ल देख के काम बता देती हैं, तो एसी मत चलाओ, तो कूलर मत चलाओ, तो ठंडा पानी मत पियो, कहती हैं ठंडा पानी मत पियो, फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जब बोतल उसमें लगाओ शादी वाली उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज को बहुत काम करना पड़ता है, हैरत हो गई थी मुझे जब उन्होंने मुझसे बात कही, और यहाँ आती है तो मेरे कमरे का एसी नहीं बंद होने देती हैं, मेरी अम्मी ने मेरे लिए दिया है मेरे नंदू के लिए दिया है कि वो आके यहाँ सोए, खैर मैं बड़ी बात तो कोई करती नहीं हूँ, मैं तो सबसे वो करती हूँ, मैं तो अब बहुत कंजूस हुई नहीं, मैं तो अपनी हर चीज़ निकाल निकाल के देती हूँ कि लो भाई तुम खा लो पी लो, मेरे साथ सुधेलापन तो ये करती हूँ, मुझे पड़ गई भाई अपने कमरे की अपने एसी की आदत, ना मुझे अपने बिस्तर के बिना नींद आए ना मुझे एसी के बिना नींद आए, और भैया अच्छी नींद ना मिले रात को तो सुबह हाथ पैर भी मेरे नहीं चलते, और मुझे रात की नींद ना मिले तो मेरे हो जाते हैं डार्क सर्किल मेरे बढ़ जाते हैं डार्क, मियाँ तो अपनी ब्यूटी बहुत मेंटेन रखती हूँ भाई, मियाँ के सामने ब्यूटी मेंटेन रखनी चाहिए, नहीं तो भैया रोज़ अपनी स्किन की केयर करती हूँ, पेट लगाती हूँ अंडे का, बालों में अंडा लगाती हूँ, उनके घर तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं मुँह धो लूँ चुटिया बांध लूँ, उनके घर में इतना काम वो मुझसे कराती हैं, इसीलिए तो बुला रही हैं मुझे, जा रही हूँ उनके घर, मैं नहीं जा सकती भाई, हमें खुद ही नाश्ता करने लड़की वालों के घर जाना है, पता नहीं पेस्ट्रियाँ मंगाएंगी कि उन्हें मंगाएंगी लड़के वाले लड़की वाले मंगा लेंगे शायद, मैंने मेरी अम्मी ने बता दिया था कि डोली पेस्ट्री खाती हो चाउमीन, मंगा लिया होगा शायद उन्होंने, अब जाना है भाई मैं तैयार होंगी अब जाऊंगी।